अच्छा बिलाल, इसके अलावा ये बताएं कि कब से माशाल्लाह से ये काम चल रहा है आपका? ये माशाल्लाह मैं जिस वक्त हम यहाँ पर आए थे, मेरे वाले साहब बताते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सारा हमारे सामने ही बना है। 15 रुपये की प्लेट स्टार्ट की थी चिकन, जब से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये कारोबार चल रहा है। अच्छा ये तो हो गया बिलाल, और उसके अलावा ये बताएं माशाल्लाह से क्वांटिटी जो है आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। अभी हमने एक लोगों से पूछा भी है, वो बोल रहे हैं कि हाँ वाकई पेट भर गया, रायता वायता भी फ्री दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों, मतलब इतना क्यों आप लोगों को रिलीफ दे रहे हैं? अच्छी बातें देना चाहिए, लेकिन मैं पूछूं कि शुरू से ये रखा हुआ है या अभी कुछ ऐसा हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट कामरान शफीक और आप देख रहे हैं दमदार पॉइंट। स्ट्रीट किंग के बिहाव से आज यहां पे मैं मौजूद हूं, जिस जगह पे मौजूद हूं ये जगह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन आपने काफ़ी सारी बिरयानी खाई होंगी और मैं आपको काफ़ी सारी बिरयानी दिखा भी चुका हूं, और एक बार फिर से मुझे यहां पे आज मैं मौजूद हूँ ये GPH यानी गाजी पकवान हाउस, नाम बहुत सुना होगा आपने। तो गाजी बिरयानी का टेस्ट कैसा है, बनती कैसे है, यहाँ पे माशाल्लाह जो लोग आते हैं वो खाते हैं उनको क्या पसंद आता है गाजी बिरयानी में, ये हम आपको सब सुनवाएंगे यहाँ। अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊँ गाजी की बिरयानी की, कि यार रेट भी बड़े कम है, मतलब बहुत ज़्यादा रेट नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं आपको इसकी लोकेशन बताऊँ तो मैं आपको लोकेशन पहले ब्रीफ कर देता हूँ। ये अगर आप आ रहे हैं मेन अबुल हसन इस्फानी रोड पे, पैराडाइज बेकरी के पास है बिल्कुल, और बैंकल हबीब के सामने है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और एक प्लेट आप फी प्लेट ले रहे हैं तो फी प्लेट कितने की, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसमें बिरयानी के अलावा क्या क्या आइटम है, पुलाव वगैरह भी यहाँ पे बहुत चलता है, काफ़ी नाम है पुलाव का भी, तो बीफ पुलाव भी मैं आपको दिखाऊंगा, चिकन बिरयानी भी आपको दिखाऊंगा, और जायका कैसा ये भी आपको ज़रूर सुनवाऊंगा। आइए चलते हैं, बात करते हैं लोगों से, आइए। अच्छा ये बताएं कामरान भाई, कैसा लग रहा है आपको पुलाव यहाँ का? अच्छा है, और कितने की प्लेट है? 250 रुपये की बीफ की है, और सादी प्लेट जो है 120 रुपये की। मतलब 120 रुपये की सारी प्लेट, उसमें पेट भर जाता है जी, बहुत अच्छा खाता है, मैं तो ज़्यादा हो गया, एक्सेस हो गया। माशाल्लाह वाओ गुड। रायता वगैरह ये सब दे रहे हैं फ्री में? जी रायता भी फ्री में। यार गुड है, फिर तो अच्छी सर्विस हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताएं आप यहाँ पे गाजी पकवान पे आपने क्या खाया है, बिरयानी खाई? हाँ जी बिरयानी खाई। कैसी लगी आपको? बिल्कुल ज़बरदस्त, तो गाजी बिरयानी तो यहाँ के जो भाई मशहूर बिरयानी है, अच्छी बिरयानी है बिल्कुल। वैसे कहाँ से ताल्लुक है आपका? मैं क्वेटा बलूचिस्तान से। क्वेटा, अच्छा माशाल्लाह क्वेटा से आप यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे मेहमान हो गए आप। कराची की बिरयानी कैसे लगी आप? बिल्कुल ज़बरदस्त है कराची की बिरयानी। अच्छा वैसे यहीं पे करीब में होते हैं या जस्ट अभी आपने बोला चलें ट्राई करते हैं? करीब होती है, अलासिफ स्क्वायर में होती है। अच्छा अलासिफ पे होते हैं तो आपने सोचा यहाँ पे ट्राई कर लें? मज़े की थी? बिल्कुल ज़बरदस्त। और कितने की प्लेट है यार? आजकल तो मैं एक महीने पहले खाया था 150 का था मेरे ख्याल, आज पता नहीं है क्या रेट में दिया। अभी भी 150 ही है। अच्छा क्या नाम है दोस्त आपका? मोहम्मद जाकिर। जाकिर ये बताओ कैसे लगी बिरयानी? बहुत मज़ेदार है, बहुत टेस्टी है, मज़ेदार। और कितने की प्लेट है ये? 150 रुपये एक प्लेट है। मतलब पेट भर जाता है इसमें? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर जाता है। कोई टेंशन तो नहीं होती घर जाके दोबारा खाना पड़ेगा? नहीं 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 कुछ भी नहीं होता, पेट भर जाता है, एक प्लेट से पेट भर जाता है। जायका भी अच्छा था? जी जी मज़ेदार। चिकन बराबर थी? जी जी बिल्कुल। और आलू वगैरह ऐड होता है क्या? नहीं नहीं आलू वगैरह, एक चिकन आता है इसमें, आलू वगैरह ऐड नहीं होता। आलू ऐड नहीं होता, वरना वेट बढ़ाने के लिए डाल देते ना लोग। हाँ बिल्कुल ऐसा, वो नहीं है इसमें, ये एक पॉजिटिव चीज़ हो गई कि भाई वेट बढ़ाने के लिए आलू नहीं डाला जाता, और खाली बिरयानी और मतलब बिरयानी के आगे बैठ के अपने आप को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता कभी कभी। कहाँ से आए हैं आप? हम गिलगित बल्तिस्तान। तो इतनी दूर से यहाँ पे खाने हैं? नहीं नहीं हम स्टूडेंट हैं, तो एक्चुअल में हम अभी गुलशन मेमार में रहते हैं, उधर से इधर जुमे की नमाज पढ़ने आए थे, तो इधर हम बिरयानी खाएँ। अच्छा ये बताएँ गिलगित में ऐसी बिरयानी मिलती है, ईमानदारी से बताइए? हाँ उधर भी मिलती है, लेकिन बिरयानी तो पूरे पाकिस्तान में मिलती है, टेस्टी नहीं है। कराची की बिरयानी का जायका जो? हाँ कराची की बिरयानी का जो जायका है वो उधर नहीं है। जी जी वाहिद कैसी लग रही है बिरयानी? यार बहुत फैंटास्टिक, जबरदस्त यार। अरे वाह यार गुड हो गया, फैंटास्टिक बिरयानी हो गई माशाल्लाह से। व्यूअर्स देख सकते हैं माशाल्लाह से प्लेट आप देख लें सामने अभी आपके, और बिस्मिल्लाह की उन्होंने, पुलाव फुल लोडेड है, कुछ हद तक ये खा चुके हैं, तो अभी और खा रहे थे, हमें देख के रुक गए, शर्मा रहे हैं क्या? नहीं नहीं भाई। कैसा है पुलाव? बहुत ज़बरदस्त है। और कितने की प्लेट है वो? 110 बगैर चिकन है, और चिकन वाले 150 का है। यानी नॉट बैड यार, मतलब सस्ता है, सही है, बिल्कुल हाँ सही रेट है, जायका भी है और प्लेट भरी हुई है, बिल्कुल ज़बरदस्त। ओके व्यूअर्स आप देख रहे हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ काउंटर पे, और यहाँ पे मेरे साथ बैठे हैं बिलाल, जो कि माशाल्लाह से एक यंग टैलेंट है, और आपको नज़र आ रहा होगा कि यूथ जो है इस बिज़नेस के मामले में भी आगे जा रही है। बिलाल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं माशाल्लाह से रश तो चल रहा है यार अभी ठीक ठाक?
तो ऐसा ही होता है रोज़ रेगुलर? जी रेगुलर बेस पे ऐसे ही होता है। इस टाइम लंच का टाइम होता है, लोग आते हैं लंच करते हैं, बिरयानी वगैरह खाते हैं, जाते हैं हमारे पास से। अच्छा ये रेट भी ज़रा एक बार आप लोगों को बता दें, मैं सबसे पूछ भी रहा हूँ, व्यूवर्स को सुनवा भी चुका हूँ हमारे लोगों को, ज़रा रेट भी क्लियर कर दें कि पुलाव की प्लेट कितने की है, बिरयानी की प्लेट कितने की है, सादा कितने की है, बगैर चिकन यानी जो भी होता है वो सबको बता, ज़रा खुल के बता देगा जी। हमारा दरअसल जो चिकन बिरयानी है उसका रेट है 150 जी। उसमें 150 में हम इतनी क्वांटिटी देते हैं कि जो फुल हैंगरी बंदा होता है, जिसको फुल भूख लग रही होती है, उसका पेट आराम से भर जाता है। और पुलाव के भी सेम रेट है, 150 है हमारे चिकन पुलाव के भी। और बीफ बिरयानी है, बीफ पुलाव है, इनके क्या नाम है, 250 रुपीज़ हैं बीफ पुलाव के। इसमें भी क्वांटिटी इतनी ही होती है कि बंदे का आराम से पेट भर जाए। फिर उसके बाद हमारे पास ज़रदा होता है, कबाब होते हैं, क्या खीर वगैरह होती है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। ये हमारा है स्पेशल ज़रदा, और ये है सादा ज़रदा, यानी कि ये भी है एक स्पेशल के तौर पे ही है, बट इसमें क्या नाम है, खोया वगैरह है, चमचम वगैरह है, लवाजमत ज़्यादा ऐड हो गए हैं और वो थोड़ा सा कम कर दिए जी। उसमें क्वांटिटी भले दोनों की सेम है, बट इसमें थोड़ा सा स्पेशल थोड़ा किया हुआ। ये कितने की है, कितने का पड़ रहा होता है? 70 रुपीज़ का है और ये 40 रुपीज़ का है। अच्छा ये 40 का है, आप ये भी देख सकते हैं व्यूवर्स, ये जो है ये 40 रुपए का है ज़रदा, ठीक है, थोड़े से लवाजमात कम है, तकरीबन दोनों की क्वांटिटी एक ही है। अच्छा ये तो हो गया बिलाल, और उसके अलावा ये बताएं माशाल्लाह से क्वांटिटी जो है आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। अभी हमने एक लोगों से पूछा भी है, वो बोल रहे हैं कि हाँ वाकई पेट भर गया, रायता वायदा भी फ्री दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों, मतलब इतना क्यों आप लोगों को रिलीफ दे रहे हैं? अच्छी बातें देना चाहिए, लेकिन मैं पूछूं कि शुरू से ये रखा हुआ है या अभी कुछ ऐसा हो रहा है? नहीं नहीं, ये हमारे शुरू से रेट जो होते हैं वो मार्केट से कम ही होते हैं। अब बहुत सी जगह हम भी जाते हैं, हम भी जिस तरह बिरयानी वगैरह ट्राई करने जाते हैं, तो वहाँ पर हमें 200-250 रुपये से कम की प्लेट नहीं मिलती चिकन की। इसमें यह है कि बंदा पेट भर ले तो हमें भी देखा जा, देखते महंगाई इतनी हुई हुई है गरीब आवाम है, तो कहाँ से खाएं। ज़्यादातर मज़दूर तबका हमारे पास ज़्यादा आता है कि मज़दूर जो आके आराम से पेट भर के खा के जाता है। अच्छा व्यूअर्स, आप लोगों ने सुना बिलाल जिस तरीके से आपको बता रहे हैं, एक तो ये कि 150 रुपये की बिरयानी आपको मिल रही है, उसके अलावा पुलाव जो 110 रुपये की प्लेट, 110 रुपये की प्लेट है, क्या नाम है, बगैर चिकन के जो होती है, चिकन सादी जो होती है 110 की होती है, और चिकन वाली 150 की है, 150 की ही चिकन वाली आपको मिल रही है पुलाव की भी प्लेट। यानी वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते, बिरयानी नहीं खा पा रहे होते, सादी ले लेंगे। सादी प्लेट बिरयानी की कितने की है? क्या नाम है, 110 रुपये की है। 110 रुपये की क्वांटिटी उतनी ही होती है, बट चिकन नहीं होता है इसमें एग्जैक्टली, यानी सिर्फ गोश्त जो है रिमूव कर देते हैं, क्वांटिटी सेम ही होती है। तो ये उन लोगों के लिए हैं जो मिसाल के तौर पे मजदूर लोग हो गए, या उसके अलावा वो लोग जो बिरयानी खाने का शौक़ रखते हैं और कम पैसों की वजह से, यानी पैसे कम हैं और वो खाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप यहाँ पे आ जाएं। स्पेशली गुलशन के रिहायशी जितने भी हैं, सवानी रोड के रिहायशी जितने भी हैं, आप सब देख रहे हैं रेट बहुत मुनासिब है, और उसके अलावा क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी भी है, मतलब मेयारी क्वालिटी है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, जिसमें आपका पेट बहुत आराम से भर जाता है। अच्छा बिलाल, इसके अलावा ये बताएं कि कब से माशाल्लाह से ये काम चल रहा है आपका? ये माशाल्लाह में 20 ईयर्स हो चुके हैं यहाँ पर। जिस वक्त हम यहाँ पर आए थे, मेरे वाले साहब बताते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सारा हमारे सामने ही बना है। 15 रुपये की प्लेट स्टार्ट की थी चिकन, जब से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये कारोबार चल रहा है। आज भी हमारे नाम पर बहुत से लोगों ने बनाया हुआ है कि हमारा नाम यूज़ कर रहे हैं। हाँ ये चीज़ एक बहुत अच्छी आपने पॉइंट उठाया कि गाजी जो है ये यहाँ आपके पास भी है, बाकी जगह पर भी चल रहा होता है, तो ब्रांचेस हैं आपकी क्या हैं? नहीं नहीं, हमारे ब्रांचेस कोई नहीं है, हमारी एक ये है और दूसरी हमारी मौसमियात पे है, वो मेरे फादर के जो बड़े भाई हैं उनकी है। इसके अलावा हमारे ऑल कराची में कहीं भी कोई भी ब्रांच नहीं है, हमारे नाम से लोग चला रहे हैं, जो बस हमारे वाले साहब थोड़े से मासूम हैं, जिस वजह से उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो बस हमारा 20 ईयर से नाम चल रहा है, एक ही जगह है और सबको पता है कि पहला गाजी यही है। व्यूअर्स, आप लोगों ने सुना ओरिजिनल गाजी पे इस वक्त हम मौजूद हैं, गाजी पकवान हाउस, गाजी बिरयानी, अगर आपने नाम सुना है कहीं पे भी, तो इस वक्त जहाँ पे हम मौजूद हैं यहाँ पे ही ओरिजिनल का एक दावा है, जो कि होगा भी क्योंकि काफ़ी पुराना है, और बोर्ड पे भी आप देख सकते हैं, और GPH के नाम से जो है बहुत मशहूर है, यानी गाजी पकवान हाउस के नाम से, और बिलाल ने भी ये बताया। तो आइए और मजीद लोगों से बात करते, देखते हैं वो क्या बोलने वाले हैं। आइए ये बताएं गाजी की बिरयानी कैसे लगती है आप? गाजी की बिरयानी अच्छी थी, लेकिन अब जो है बिरयानी और ज्यादा टेस्टी हो गई, पहले भी थी, फर्स्ट इनका ही यहाँ पे, अब जो है और ज्यादा। पुलाव ट्राई किया है आपने यहाँ? पुलाव भी ट्राई किया है इनका, क्या इसी एरिया से हूँ मैं, तो लाजमी लेते ही रहते हैं, क्योंकि हमें भी ये लगा माशाल्लाह से, जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं और बिरयानी यहाँ पे ले रही है, तो यानी यहीं से आप लेके जा रही होती है? जी जी बिल्कुल, टेस्ट है, जायका है, बहुत अच्छा।
सो व्यूअर्स, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि गाजी पकवान हाउस की जो बिरयानी मिल रही है और गाजी का जो एक अपना नाम है, स्टैंडर्ड है गाजी का, वो आपके सामने जो हम आपको दिखा चुके हैं। उम्मीद है कि यह एपिसोड आपको बहुत अच्छी लगी होगी। उसके अलावा गाजी पे आने का हमारा मकसद जो था, ये भी हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे इस वक्त यानी इस्वानी रोड पे ऑलरेडी हम आपको एक दो और दिखा चुके हैं, ये भी एक वहाँ का हिस्सा है। इनकी भी बिरयानी जो है बहुत ही कम रेट पे यहाँ पे मिल रही है, प्लस पुलाव बहुत मशहूर है। तो अगर आपको पुलाव खाना है तो गाजी पकवान पे लाजमी आना है। गाजी पकवान आए, पुलाव खाएं, बहुत ज़्यादा जायके वाला है। और उसके अलावा फुल प्लेट आपको मिल जाती है जिसमें पेट आपका बहुत इजीली भर जाता है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन उससे पहले अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहिए दमदार पॉइंट। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।